एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई प्रो। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th की बुक से इंग्लिश का चैप्टर 5 द 100 डेज का पार्ट 1 रिटन बाय एल्बोस ईस्टर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें। और अब देख लेते हैं इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स। इस लड़की का नाम है वोंडा और ये अपने परिवार के साथ पोलैंड से शिफ्ट होकर अमेरिका में चली जाती है। अमेरिका के स्कूल में इसके जो क्लासमेट्स होते हैं ये उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्योंकि ये दूसरी कंट्री से आई होती है और ऊपर से इसका नाम अजीब होता है। इसलिए इस लड़की का नाम है पैगी और ये वोंडा की क्लासमेट है और वोंडा को ये बिल्कुल पसंद नहीं करती और ये वोंडा से फालतू सवाल पूछती रहती है उसे चिढ़ाने के लिए। इस लड़की का नाम है मैडी और ये पैगी की दोस्त है और वोंडा की क्लासमेट भी है। इसे पसंद नहीं कि पैगी किसी का भी मजाक उड़ाए। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कैसे पोलैंड के बहुत सारे लोग 19th सेंचुरी में शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन ये माइग्रेशन 20th सेंचुरी में कुछ ज़्यादा ही होता है। मोर देन 1 मिलियन जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं पोलैंड से अमेरिका के अंदर और उनमें से ही एक वोंडा की भी फैमिली थी। और फिर हमें बताया जाता है कि कैसे जो लोग माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में जाते हैं उनके साथ बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं चलता जो वहाँ पर पहले से रह रहे होते हैं कि हम इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम इनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। पर बाद में उन लोगों को पछताने का भी मौका नहीं मिलता। तो इस चीज़ से पूरी रिलेटेड ही हमारी पूरी कहानी है कि कैसे इस लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन लोगों को पता नहीं चलता, फिर बाद में वो गलत साबित होते हैं और फिर उन्हें पछताने का मौका भी नहीं। अब होती है हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट। स्कूल के अंदर आज वोंडा नहीं आई है यानी कि वो आज एब्सेंट है और यहाँ पर किसी को भी नहीं पता चला, यहाँ तक कि पैगी और मैडी को भी नहीं, जो उसे हर वक्त चिढ़ाते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। वोंडा ज्यादातर लास्ट वाली सीट के साथ वाली सीट पे बैठती थी। वो पूरे क्लास का सबसे गंदा कॉर्नर था और वहाँ पर जो बच्चे बैठते थे उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे और वो अपने पैरों से दिन भर ऐसे घिस घिस के आवाज निकालते रहते थे और अपने पैरों के साथ कीचड़ भी लाते थे। वोंडा चुपचाप उस कॉर्नर में बैठी रहती थी और किसी को भी नहीं पता था कि वो उस कॉर्नर में क्यों बैठती है, क्योंकि वोंडा किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, बस जरूरत के टाइम वो थोड़ा सा हंसती करती थी। क्लास में वोंडा की एक भी दोस्त नहीं थी, बस लड़कियों को उसका ध्यान तब आता था जब क्लास शुरू होने से पहले वाला टाइम और छुट्टी होने वाला जो दोपहर का टाइम होता है वो भी सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। वोंडा एक बार बस क्लास में आके बैठ जाती थी तो किसी का भी उस पर ध्यान नहीं रहता था, बस उन लोगों को ये पता रहता था कि वोंडा बॉगिन हाइट्स के रास्ते से आती है और उसके जूते में बहुत सारा कीचड़ लगा रहता है जो बाद में आके सूख जाता है। लेकिन उससे अगले दिन भी किसी को नहीं पता चला कि आज वोंडा नहीं आई है। लेकिन उससे अगले दिन वेनसडे को पैगी और मैडी को पता चल जाता है कि आज वोंडा नहीं आए हैं। ये दोनों लड़की वोंडा की क्लासमेट्स हैं और ये आगे बैठती हैं उन बच्चों के साथ जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं और जो अपने पैरों से आवाजें भी नहीं निकालते और वो पैरों के साथ कीचड़ भी नहीं लाते हैं। पैगी पूरे स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़की थी। वो देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसके बाल भी कर्ली थी और उसके पास बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी थी। और मैगी पैडी की क्लोज फ्रेंड थी। पैगी और मैडी को तब पता चलता है जब वो वोंडा का इंतजार करते करते स्कूल के लिए लेट हो जाती हैं। ये पहली बार नहीं था जब पैगी और मैडी वोंडा का इंतजार कर रहे हों। वो अक्सर ऐसा किया करती थी जब भी उनका मन करता था कि वोंडा को आज चिढ़ाएंगे, आज तो उसके साथ मजे करेंगे। वोंडा पेट्रोंसी का नाम बच्चों को बहुत ही अजीब लगता था क्योंकि एक तो वो प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट था और उनकी क्लास में किसी का भी नाम इतना हार्ड नहीं था। बस क्लास में एक और लड़के का नाम थोड़ा अजीब था पर उसका नाम इतना भी अजीब नहीं था जितना वोंडा पेट्रोंसी का था, इसलिए क्लास के सारे बच्चे उसको चिढ़ाते रहते थे और परेशान करते रहते थे और डिस्क्रिमिनेशन करते थे। जब भी वोंडा स्कूल के प्लेग्राउंड में छोटी बच्चियों को हॉस्कॉप्स खेलते देखती थी तब भी सारी क्लास की लड़कियां उसे घेर लेती थीं। पैगी जो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़की थी वो वोंडा से एकदम रिस्पेक्ट से बात करती है जैसे वो अपनी टीचर से बात कर रही हो। और पैगी पूछती है कि वोंडा तुम्हारे पास तुम्हारे कबर्ड में कितनी ड्रेसेस हैं? मेरे कबर्ड में 100 ड्रेसेस हैं। अच्छा, तो वो सारी एक ही कलर
करती होंगी क्योंकि तुम तो रोज एक ही कलर की ड्रेस पहन के आती हो। नहीं नहीं, वो सारी अलग अलग कलर की हैं, अलग अलग डिजाइन। तभी सारी छोटी लड़कियां जो आसपास हॉक चॉप खेल रही थीं, वो सारी लड़कियां चौंक जाती हैं कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं और उन्हें ये सुनने में इंटरेस्टिंग सा लगता है, इसलिए वो अपनी गेम को छोड़ के वांडा की बातें सुनने लग जाती हैं। और वांडा फिर से बोलती है, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। वांडा को वापस से चिढ़ाने के लिए पैगी फिर से सवाल पूछती है कि वांडा अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए बोलती है कि और इसके बाद सारी लड़कियां से चले जाने देती हैं। और थोड़ी दूर वांडा के जाने के बाद सारी लड़कियां हंसने लग जाती हैं। उनको लगा उन्होंने वांडा का मजाक उड़ा के खूब मजे कर लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं है, उसके पास बस एक ही ड्रेस है, वो जो रोज पहन के आती है। लेकिन पता नहीं फिर भी वांडा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। और अगर कोई उससे पूछता कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं, तो वो बोलती कि मेरे पास 60 शूज हैं, पेयर्स में जो मेरे कबर्ड के अंदर रखे हुए। सारी लड़कियां उससे पूछती क्या वो सारे एक ही कलर के हैं, क्योंकि तुम तो रोज एक ही कलर के शूज पहन के आती हो। फिर वांडा बोलती नहीं नहीं, वो सारे अलग अलग कलर के हैं। पैगी और मैरी ही सबसे ज्यादा देर तक वहाँ रुकी रहती थी और वही सबसे ज्यादा मजाक उड़ाती थी। और जब ये सब हो जाता था तब सारी लड़कियां वांडा को छोड़ के चली जाती थी। फिर वांडा बहुत ज्यादा उदास हो जाती थी, उसका मुंह सूज जाता था और उसकी आंख के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते थे। फिर वो अपने कंधे को ऊपर करके अपने घर के तरफ अकेली चली जाती थी। और फिर राइटर हमें आगे बताता था कि पैगी एक बुरी लड़की नहीं थी, वो छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से बचाती थी जो उन्हें मारते थे, और कोई भी अगर किसी जानवर को परेशान करता था तो वो घंटे बैठ के रोती थी। इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी सॉफ्ट हार्टेड थी। फिर वो वांडा के साथ ऐसा क्यों करती थी? अगर कोई भी पैगी से ये सवाल पूछता कि तुम वांडा के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो, तुम उसके साथ इतनी निर्दयी क्यों हो, तो बोलती मैं निर्दयी? एक तो उसका नाम बहुत अजीब है, ऊपर से वो हमारी जैसी नहीं है और वो दूसरी कंट्री से आई है, और एक नंबर की झूठी है। वो पता नहीं क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि सबको पता है कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जो वो रोज पहन के आती है, ब्लू कलर की। इसलिए वो मुझे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे चिढ़ाने के लिए उससे क्वेश्चन पूछती हूँ। और वैसे भी कौन सा मैं उसे रुलाती हूँ, बस थोड़ा परेशान ही तो करती हूँ। बस ऐसी बातों को करके वो अपना पल्लू झाड़ लेती थी। और आगे हमें उत्तर बताती है मैडी के बारे में। मैडी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि पैगी किसी का भी मजाक उड़ाए, क्योंकि वो फीलिंग्स को समझती थी और वो जानती थी कि जो पैगी कर रही है वो सब गलत है, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। लेकिन वो पैगी को कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर वो उसे कुछ कहती तो सारी लड़कियां और पैगी मिलके उसके पीछे पड़ जाती और उसका मजाक उड़ाती। लेकिन आज मैडी खुश थी, क्योंकि आज वांडा स्कूल नहीं आई थी, जिससे पैगी को उसका मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिलेगा। जब मैडी अपने मैथ्स के सम कर रही होती है तब उसे एक आइडिया आता है कि मैं अगर पैगी के सामने बोल नहीं सकती कि तुम उसका मजाक उड़ाना बंद कर दो, तो क्यों ना मैं एक लेटर लिख दूं जिसमें मैं उसे लिखूं कि तुम उसका मजाक उड़ाना बंद कर दो। फिर मैडी ने अपना मैथ्स का काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया और लेटर लिखना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो अपना आधा लेटर पूरा करती है तभी उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि अगर पैगी ने वांडा का मजाक छोड़ के मैडी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो क्या करेगी, और अगर मजाक मजाक में उसी ने किसी दिन इससे पूछ लिया कि ये जो तुम्हारी ड्रेसेस हैं ये तुम कहाँ से लाती हो, तो वो क्या जवाब देगी, क्योंकि ये जो उसकी ड्रेसेस थी ये पैगी की ही ड्रेसेस थी जो उसकी मॉम थोड़ा रिबन्स और चीज़ों को ऐड करके उसे नया जैसा लुक दे देती थी, जिससे उसके क्लास के बच्चों को इसके बारे में पता ना चले। ये पैगी के ही कपड़े हैं जो मैडी पहनती है, इसलिए फिर उसने वो लेटर मोड़ के फेंक दिया। फिर
मैडी कहती है कि मुझे क्या लेना देना बोंडा से, वैसे भी वो अपनी मुसीबत फालतू में खुद ही खड़ी करती है। क्या जरूरत थी उसे बोलने की कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं? अगर कोई मुझसे सवाल पूछता कि मेरे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो मैं कभी नहीं कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और वैसे भी पैगी पूरी क्लास की सबसे अच्छी लड़की है और वो किसी के साथ भी गलत नहीं करती, तो पैगी ही सही है। फिर तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उनके स्कूल में ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन हुआ था, जिसमें बॉयज को तो मशीनरीज की ड्राइंग बनानी थी और गर्ल्स को ड्रेसेस की ड्राइंग बनानी थी। मैडी के हिसाब से तो पैगी ही इस कंपटीशन में जीतने वाली थी, क्योंकि वो उसकी ड्राइंग पूरी क्लास में सबसे सुंदर थी और वो किसी भी मैगजीन के अंदर छपी हुई ड्राइंग को एकदम सेम टू सेम वैसा ही बना सकती थी, और वो किसी भी एक्टर की स्केच बना सकती थी और कोई भी उसे देख के बता सकता था कि ये कौन सा एक्टर है। और अगले दिन उनकी क्लास टीचर विनर्स के नाम अनाउंस करने वाली थी। मैडी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि कौन जीतने वाला है। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश में छाते के नीचे पैगी और मैडी चलते जा रहे थे स्कूल की तरफ। आज वो दोनों रास्ते में नहीं रुके वोंडा का मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि आज स्पेशल दिन था, क्योंकि आज कंपटीशन के रिजल्ट पता करने थे उन्हें, तो आज वो उसको चिढ़ाने के लिए नहीं रुके, क्योंकि वो कल लेट हो गए थे तो आज नहीं रुक के लेट नहीं होना चाहते थे, क्योंकि क्लास शुरू होते ही रिजल्ट बताने वाली थी उनकी मैम। पैगी और मैडी जब क्लास में घुसते हैं तो उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि वो देखते हैं चारों ओर इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस लगी होती हैं कि उन पर से नजर ही नहीं हट रही थी। और जब उनको ध्यान से देखते हैं तो सारी ड्रेसेस लगभग 100 के करीब लग रही थी और सभी बच्चे उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि वाओ ये कितनी अच्छी ड्रेस है, और उसको देखो ये तो उससे भी अच्छी है, और ये तो उससे भी ज्यादा, सब ऐसे ऐसे करके उन्हें घंटों रुक रुक के देखने लग रहे थे। और जैसे ही क्लास शुरू होती है मिस मैसन विनर्स के नाम अनाउंस कर देती हैं। वो बोलती हैं कि बॉयज की तरफ से मशीनरीज की बेस्ट ड्राइंग बनाई है जैक पैकल्स ने, जिनकी ड्राइंग बाकी सारे बच्चों के साथ रूम नंबर 12 में रखी है। और गर्ल्स में से सभी लड़कियों ने एक या फिर दो ड्रेसेस सबमिट करी थी, पर एक लड़की है जिस पे पूरे रूम नंबर 13 को प्राउड होना चाहिए, जिसने पूरी 100 की 100 ड्रेसेस सबमिट करवाई हैं, और उस लड़की का नाम है वोंडा। जैसे ही सारे बच्चे वोंडा का नाम सुनते हैं वो चौंक जाते हैं कि आप वोंडा ने ये ड्रेसेस ड्रॉ करी हैं, हमें नहीं लगता इतनी सुंदर ड्रेसेस वोंडा ड्रॉ कर लेगी, वाओ हमें तो पता ही नहीं था। और वो ड्रेसेस इतनी सुंदर है कि उनसे नजर हटाए नहीं हट रही थी। सारे बच्चे उन्हें घंटे वेट कर करके देख रहे थे, और जब सारे बच्चे उन्हें देखते तो सीटियां और तालियां बजाना शुरू कर देते थे, और यहाँ तक कि बॉयज भी क्लैपिंग कर रहे थे जिन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ड्रेसेस में। और फिर मिस मैसन कहती हैं कि वोंडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, तो आज हम प्रे करते हैं कि कल वो आ जाए और हम उसका कल क्लैप्स के साथ स्वागत करेंगे। और तभी मैडी की एक ड्रेस पे नजर पड़ती है, फिर वो धीरे से बोलती है कि पैगी पैगी वो देखो, वो तो वही ड्रेस है ना जो वोंडा ने हमने कुछ दिन पहले बताई थी। अरे हाँ ये तो वही ड्रेस है, हम सोच रहे थे कि वो हमसे झूठ बोल रही है। देखो देखो वो बिल्कुल ब्लू कलर की है जैसा उसने बताया था, उस पर रेड रिबन्स लगे हुए हैं जैसा कि वो बता रही थी कि उसके ऊपर रेड रिबन्स हैं, यानी कि वो हमसे सच बोल रही थी, हमने सोचा वो हमसे झूठ बोल रही है। और तभी मैडी की नजर एक और ड्रेस पे जाती है। अरे पैगी उस ड्रेस को देखो, वो हरी रंग वाली, ये तो वही ड्रेस है ना जो कुछ दिन पहले हमें वोंडा ने बताई थी, जिस पे रेड कलर के सेशेस भी लगे हैं। अरे हाँ ये तो वही ड्रेस है जो उस दिन हमें वोंडा ने बताई थी, हमें लगा वोंडा हमसे झूठ बोल रही है, पर ये तो सच्ची में उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको जानना है कि पार्ट 2 में क्या होता है, क्या वोंडा को प्राइज मिल पाती है, क्या वो वापस स्कूल आती है, क्या हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करते हैं, क्या पैगी उससे सवाल पूछना बंद करती है, पर ये सवालों के आपको जवाब चाहिए तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। सो गाइस आई हैव अमेजिंग न्यूज़ फॉर यू दैट द पार्ट 2 इज कमिंग सून। इफ यू वांट टू सी द पार्ट 2 देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।